सो वेलकम बैक गाइस, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे स्पोकन टेक चैनल पर। तो दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत से ऐसे अमेजिंग से गैजेट्स लेकर, जिनके फीचर्स के बारे में जानकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। एंड अगर आप लोगों को इन सारी गैजेट्स में से कोई सा भी गैजेट को परचेस करने की इच्छा हो, तो आप लोगों को सिंपली वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इन सारे गैजेट्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर से आप लोग इसे परचेस कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ तो उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग गैजेट्स वाले वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पियानो क्लिप 360। दोस्तों, आज के टाइम में तो चाहे आप लोग जिस किसी को भी देख लो तो उसे सेल्फी लेना तो पसंद होगा ही होगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी सेल्फी लेना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। तो बस इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ इस वाले बेहतरीन से गैजेट को, जो कि आपके सेल्फी को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देगा। इसे बस अपने फोन के फ्रंट कैमरे के ऊपर इंस्टॉल कर देना है, एंड इसके बाद आप लोग अपने नेक्स्ट लेवल वाले सेल्फी को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे। इसमें इनबिल्ट होता है 360 डिग्री रोटेट वाले सेंसर, जो सिर्फ अटैच होते हैं कैमरा में। और हाँ दोस्तों, इसमें कैप्चर किए गए फोटोज को आप लोग डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये वाला बेहतरीन सा गैजेट आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेजरिंग व्हील। फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आमतौर पर तो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि मेजरिंग टेप बस कुछ ही डिस्टेंस के लिए काम आता है। तो ऐसे में आप लोग यूज कर सकते हैं इस वाले गैजेट को। इसका यूज करके आप लोग लंबे से भी लंबे डिस्टेंस को बहुत इजीली मेजर कर पाएंगे। आपको करना होगा बस इस पर लगे डिजिटल मीटर को सेट, और अपने काम में आपको लग जाना होगा। आप लोग जितना दूर तक इस वाले व्हील को लेकर जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस इस वाले डिजिटल मीटर में मेजर होता रहेगा। और इसका एक बेहतरीन ये भी है कि इसमें आपको किसी भी तरह की बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आप लोग लगभग सारी जगहों पर इस वाले गैजेट को यूज कर पाएंगे। जेनिनो T1। दोस्तों, आपने तो फिल्मों में बहुत सारे अंडर वाटर ड्रोन्स तो देखे ही होंगे, जिनका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग अपने बजट के अंडर में इस तरह का कोई सा भी अंडर वाटर ड्रोन को ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला गैजेट आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ये वाला ड्रोन गहरे से गहरे समंदर में इवन 492 फीट तक अंदर में जा करके आप लोगों के लिए बेहतरीन सा वीडियो शूट कर सकता है। हालांकि दोस्तों, ये वाला ड्रोन आपको वायरलेस वाले फीचर के साथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाकी सारे फीचर्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। इससे आप लोग इसके रिमोट कंट्रोल के जरिए बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। और बात करें इसमें लगे कैमरा की, तो इसमें आपको अल्ट्रा एच डी वाली कैमरा देखने को मिल जाएगी, जिसके जरिए आप लोग 4K क्लैरिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। इसमें लगा होता है 3000 mm वाली LED लाइट, जो आपको अच्छे से अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करने में आपकी मदद करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें लगा 9000 mAh वाला बैटरी आपको लगभग 4 आवर वाली बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग किसी भी तरह की अंडर वाटर ड्रोन की तलाश में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वाले गैजेट को एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। ईयरगन बैंड। फ्रेंड्स, आज के टाइम में तो आपको हर किसी के हाथ में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये देखने में जितना ज्यादा कूल होता है तो उतना ही बेहतरीन होता है इसका फीचर्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें वर्कआउट के दौरान अपने स्टेप्स एंड हेल्थ एक्टिविटी को देखने के लिए अपने रिस्ट को घुमाना पड़ता है, जो कि वर्कआउट के टाइम पर बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल रहता है। तो इसी चीज को कम्फर्टेबल बनाने के लिए आ चुका है ये वाला गैजेट, जो कि होता है एक सिंपल सा बैंड, जिसमें आपको अपने स्मार्ट वॉच के मॉड्यूल को सेट करना है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट के दौरान या फिर अपने किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान टाइम को देखने के लिए या फिर अपने हार्ट रेट वगैरह को देखने के लिए आपको अपने रिस्ट को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, आप लोगों को ये वाला गैजेट कैसा लगा, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप लोगों के पास इस वाले बैंड के अलावा दूसरा कोई सा भी बेटर ऑप्शन है, तो आप लोग हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। टेरा प्लांटर। वैसे तो दोस्तों, छोटे मोटे पौधों को लगाने के लिए आप लोग यूज करते हैं बहुत सारी मिट्टी एंड एक छोटे से पॉट का, जिसमें कभी कभार पानी बहुत ही ज्यादा हो जाता है या फिर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे प्लांट कुछ ही दिन में मुरझा जाता है या फिर वो मर जाता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टेरा प्लांटर के इन्वेंशन लोगों ने बनाया है इस वाले पॉट को, जिसमें मिट्टी को रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वाले पॉट को ही मिट्टी से बनाया गया है। एंड दोस्तों, इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको बस इस वाले पॉट को पानी के जरिए फिलअप कर देना है, एंड
इसके बाद इस प्लांटर में बनाए गए छोटे छोटे होल में आपको बहुत से प्लांट के सीड्स को डाल देना है कुछ इस तरह से। एंड फाइनली कुछ दिनों बाद वो सारी सीड्स प्लांट में तकदीर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला पॉट तो मिट्टी से बना हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें से पानी ज्यादा बाहर क्यों नहीं निकलता। तो देखिए दोस्तों, इस वाले पॉट को एक सॉलिड मिट्टी से बनाया गया है जिसकी वजह से इससे धीरे धीरे ही पानी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से आप लोग इसे अपने घर में भी एक शोपीस की तरह भी यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी थी कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स जिनके बारे में मैंने आपको आज के वाले वीडियो में बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग इसी तरह के न्यू गैजेट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी तरह की न्यू सी वीडियो पर।